मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर इन साइंस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब क्या होता है? व्हेन अ प्लांट ऑफ सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड क्रॉप। मतलब क्रॉप किसको बोलते हैं? जब हम लोग लार्ज स्केल में कोई एक प्लेस पे एक ही टाइप का प्लांट उगाते हैं, तब उसको हम लोग क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट, इट मीन्स दैट ऑल प्लांट ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। मतलब कि अगर मैंने क्रॉप ऑफ वीट बोला, इसका मतलब क्या हुआ कि खेत में उगाने वाले सारे प्लांट जो है वो किसके हैं? वीट के हैं। मतलब कि ऐसा आपने सुना होगा कि हम लोग वीट के खेतों में जाते हैं, राइस के खेतों में जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आधे दो लाइन वीट की उगाई, दो लाइन राइस की उगाई, ऐसा तो नहीं होता। पूरे खेतों में एक ही प्लांट उगाया जाता है, तो उसको बोला जाता है क्रॉप। द क्रॉप दैट आर डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट। क्रॉप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, सीरियल्स भी हो सकते हैं, वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, फ्रूट भी हो सकते हैं। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। जो सीजन में वो लोग उगाते हैं उसके हिसाब से उसको क्लासिफाई किया जाता है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। उसका मतलब क्या होता है कि इंडिया में एक रीजन से दूसरे रीजन में जाएं तो टेम्परेचर डिफरेंट होता है, ह्यूमिडिटी डिफरेंट होती है, उसकी वजह से वहाँ पे उगने वाले जो क्रॉप्स है वो भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अकॉर्डिंगली देर इज अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। डिस्पाइट ऑफ दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। मतलब कि इंडिया में जैसे हम एक रीजन से दूसरे रीजन में जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप उगेंगे। बहुत वैरायटी ऑफ क्रॉप इंडिया में उगाए जा सकते हैं और इतनी डाइवर्सिटी है, फिर भी मेनली दो क्रॉपिंग पैटर्न को हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो फर्स्ट वन दैट इज खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप किसको बोलते हैं? तो दीज क्रॉप्स विच आर शोन इन अ रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। मतलब कि जो बारिश में उगाए जाते हैं वो क्रॉप को हम लोग खरीफ क्रॉप बोलते हैं। अब यहाँ पे रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। इंडिया में रेनी सीजन जून से सितंबर तक चलती है। तो यहाँ पे उगाने वाले क्रॉप कौन कौन से हैं जो बारिश में उगाए जाते हैं? तो फॉर एग्जांपल, पैडी, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन, ये जो है वो खरीफ प्लांट्स है। सेकंड कैटेगरी दैट इज रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन अ विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। मतलब जो विंटर में उगाए जाते हैं उसको हम लोग रबी क्रॉप्स बोलते हैं। इन इंडिया विंटर स्टार्ट फ्रॉम द अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर से लेकर मार्च तक विंटर चलती है। रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ये सारे क्रॉप्स जो है वो रबी क्रॉप के एग्जाम्पल है। मॉनसून और विंटर की बात की, इसके अलावा हमारे यहाँ पे पल्सिस, वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर एट मैनी प्लेस। मतलब बहुत अलग अलग जगह पे समर में कुछ कुछ वेजिटेबल्स जो है वो भी उगाए जाते हैं। द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मतलब क्या हो? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हम लोग कुछ कुछ एक्टिविटीज जो है वो फॉलो करते हैं। लाइक द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जब क्रॉप उगाते हैं तो टाइम टाइम पे कुछ कुछ चीज़ें जो एक्टिविटी जो है वो फार्मर करता है, उसको हम लोग बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बोलते हैं, जिसको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी बोला जाता है। तो वो कौन कौन से है? तो देखो, फर्स्ट वन दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड वन दैट इज सोइंग, थर्ड वन दैट इज एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, फोर्थ वन दैट इज इरीगेशन, फिफ्थ वन दैट इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वीड्स, एंड सिक्स वन दैट इज हार्वेस्टिंग, एंड सेवन्थ वन दैट इज स्टोरेज। ये सारे स्टेप्स जो है वो आपको याद रखने हैं, और ईच एंड एवरी स्टेप्स जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के ईच एंड एवरी स्टेप्स है वो हम लोग डिटेल में जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट वन क्या था? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज अ फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। क्रॉप उगाने से पहले का ये फर्स्ट स्टेप होता है। देखो, उसका मतलब ही है कि हमको सॉइल को पहले प्रिपेयर करना है क्रॉप उगाने के लिए। द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर में पॉइंट है कि सॉइल को हमको टर्न करना पड़ता है और लूजन करना पड़ता है। टर्न करना पड़ता है मतलब क्या होता है कि लेयर टर्न करते हैं हम लोग। दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इन टू द सॉइल। और ये करने से क्या होता है? रूट जो है वो अंदर तक जा सकते हैं। अब रूट अंदर जाएंगे तो क्या होगा? That allow the root to breathe easily and even they go deep into the soil. मतलब वो easily breathe कर सके, easily वहाँ तक air पहुँच सके, इसीलिए ये important factor है। The loosened soil help in a growth of earthworm microbes present in the soil. Loosening करना soil का जो है वो दूसरा उसका advantage है कि वो earthworm को और microbes को भी का growth भी facilitate करता है।
एंड दिस ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ फार्मर. और क्यों ये, क्यों इनका ग्रोथ हमको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये फार्मर के फ्रेंड है. तो ये कैसे फ्रेंड है, कैसे वो फ्रेंडशिप निभाते हैं, तो दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड द ह्यूमस टू ईट. ये माइक्रोब्स और ये अर्थवर्म जो है वो क्या करते हैं, तो और जो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमको सॉइल को प्रिपेयर करना है, लूजन करना है उसको, तो ये लूजन और लूजन करने में हेल्प करते हैं कौन, अर्थवर्म और माइक्रोब्स. कैसे, तो अर्थवर्म की जो एक्टिविटी है वो उसको लूजन करने में हेल्प करती है, और माइक्रोब्स जो है वो जो भी प्लांट है या एनिमल्स है अगर ज़मीन में गड़ जाते हैं तो उसको डिकम्पोज करते हैं और उसको ज़मीन में ऐड करके न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाते हैं, तो जिसको बोला जाता है ह्यूमस. अ सॉइल कंटेन मिनरल वाटर एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म. सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, एयर होते हैं और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. इन एडिशन द डेड प्लांट एंड एनिमल गेट डिकम्पोज बाई द सॉइल ऑर्गेनिज्म. मैंने आपको अभी समझाया जब मैंने ये ह्यूमस समझाया तब कि जब डेड प्लांट जो है और एनिमल जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं ये लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से और वो न्यूट्रिशन रिलीज करते हैं जो सॉइल में फिर से चले जाते हैं. Since only a few centimeter of top layer of soil support plant growth, turning and loosening of soil bring a nutrition-rich soil to the top so that the plant can use this nutrition. इसका मतलब क्या होता है कि जो टॉप लेयर होता है ना सॉइल का उसमें ही प्लांट ग्रोथ होता है. तो अगर हम लोग टर्निंग और लूजनिंग करेंगे तो जो न्यूट्रिशन रिच जो सॉइल होती है वो ऊपर आ जाती है और वहाँ पे प्लांट जो है उसको जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की वो उसको मिल जाती है. इसीलिए टर्निंग और लूजनिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है ड्यूरिंग द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लाउगिंग. जो प्रोसेस जिससे हम लोग लूजनिंग और टर्निंग करते हैं सॉइल को वो प्रोसेस को हम लोग टिलिंग या प्लाउगिंग बोलते हैं. दिस इज डन बाई यूजिंग प्लाव और ये प्लाव यूज करके हम लोग करते हैं. द प्लाव आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन. ये मे बी लकड़ी का भी बना हो सकता है और आयरन का भी बना हो सकता है. इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाउगिंग. कभी कभी ऐसा होता है कि मिट्टी बहुत ड्राई होती है तो प्लाव करने से पहले उसको थोड़ा बहुत पानी भी डाला जाता है जिसकी वजह से वो थोड़ा मॉइशन हो जाए. द प्लाउड फील्ड मे हैव अ बिग क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स. कभी कभी क्या होता है कि जब प्लाव करते हैं तो मिट्टी के बड़े बड़े क्लम्स जो है वो देखने को मिलते हैं, तो उस वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको तोड़ना पड़े. तो वो जो बड़े बड़े क्लम्स होते हैं मिट्टी के उसको बोला जाता है क्रम्स. इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स एंड लेवलिंग द फील्ड. मतलब कि फील्ड को लेवल करना ज़रूरी होता है. द लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज इरीगेशन. और लेवलिंग क्यों करना पड़ता है कि वो सोइंग के लिए और इरीगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर. और जो लेवलिंग होता है सॉइल का वो लेवलर से किया जाता है. समटाइम्स मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टीलिंग एंड दिस हेल्प्स इन अ प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर विद द सॉइल. द सॉइल इज मॉइस्चर बिफोर द सोइंग. कभी कभी क्या किया जाता है कि प्लाउगिंग से पहले ही सॉइल के अंदर मैन्यूर डाल दिया जाता है. इसकी वजह से जब हम लोग टीलिंग करते हैं या प्लाउगिंग करते हैं तो मैन्यूर जो है वो ईजिली मिक्स हो जाता है और मॉइस्चर करने की वजह से सोइंग में भी हेल्प होती है.